सो है एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं बहुत बेसिक टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगा जो कि आ, ये फिक्सटि स्प्रे है आ, बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करता है ऐसे यूज़ करता है अपने ड्रॉइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि आपका ड्रॉइंग जल्दी ख़राब ना हो और आप अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इस स्प्रे का ताकि आप आ, अपने ड्रॉइंग्स को प्रोटेक्ट कर सको हालांकि हम लोग प्रोफेशनल्स जब बहुत जाता है तो हम लोग क्या करते हैं अच्छा क्वालिटी का पेपर यूज़ करता है जो कि टू हंड्रेड जी एस एम थ्री हंड्रेड जी एस एम इस तरह का बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज़ आते हैं उस तरह का पेपर यूज़ करते हैं तो वो सब पेपर पे हम लोग जब बहुत अच्छे से मेहनत करके अपना दस घंटा बीस घंटा स्पेंड करके हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग को हम ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना चाहेंगे राइट सो उस प्रो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फिक्सेटिव आता है एरफिना का एंड जो कि बहुत आ, दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे हिसाब से ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है इसका एक और भी स्प्रे आता है मैं दिखाता हूँ आपको जो कि आपका है ऑयल एंड एकलिक कलर्स के लिए ये है वार्नेस स्प्रे बट ये का सेम ही है लगभग अप्रोक्सीमेटली uh, आपको दोनों चीज़ सेम ही मिलेगा बट ये ग्लॉस रिमूवल है बट मैंने इसमें यूज़ किया है मैंने ऑयल uh, पेंट में से यूज किया है बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बिगनर uh, हो तो आप यूज कर सकते हो बट प्रोफेशनल के लिए सबसे बढ़िया लिक्विड वाला है और अगर आप पेपर में यूज़ करते हो होते तो पेपर में भी यूज करने के बाद कुछ चीज़ जो है जैसे मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ बहुत बहुत टाइम से क्या होता है बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाए होंगे बट कुछ आ, आ, इसका ड्रॉबैक है जो मैंने नोटिस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जैसे अगर मैं इस, इस जब भी मैं इस, आ, फिक्सरेव का यूज़ करता हूँ तो मैं एक चीज़ ध्यान रखना है कि ड्रॉइंग आप सीधा रखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने ड्राॅइंग है जो कि मैंने चारकोल से बनाया था तो अगर आप इस पर स्प्रे करना चाहते हो तो आप इसको सीधा रखो सीधा रखने के बाद कम से कम दस से पंद्रह इंचेस का गैप होना चाहिए लगभग एक से डेढ़ फिट का गैप होना चाहिए उसके बाद ही आप उसे स्प्रे करो ताकि आपका जो भी है कोई डॉट्स ना आए कोई ये ना आए आप एक फिट का मैक्सिमम रखो गैप और जब भी करो तो इसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं तो आपका आ, यू नो हेड एक हो सकता है तो आप हेड से प्रोटेक्ट करने के लिए अब अपने आप को थोड़ा सा वो जरूर हेड uh, फिर मास्क पहन लो एंड कोई ओपन एरिया में करो उसको एंड करने के बाद दस से पंद्रह मिनट तक अपने ड्राॅइंग्स को छोड़ दो तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है करने का अब ये जो स्प्रे है इसे एक या दो कोट मारने के बाद ये uh, स्प्रे करने के बाद अप्लाई करने के बाद आपको क्या होता है आपको कम से कम इसे दस पंद्रह मिनट छोड़ना पड़ता है बट आप कभी कभी कोई कोई ड्राॅइंग्स में देखोगे कि उसे ऊपर से एक कोट प, आ, कोटिंग टाइप का हो जाता है जो कि आपको पसंद नहीं होगा बिल्कुल भी वाइटनेस टाइप का एक कोटिंग हो जाता है तो उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसे भी हटाने के लिए रिमूव करने के लिए मैं एक ऑप्शन देता हूँ ब्रश लेके उसे रिमूव कर सकता हूँ कोई भी ड्राई ब्रश लेके आप धीरे धीरे उसे रिमूव करोगे तो वो ऑब्वियसली रिमूव हो जाएगा एंड अगर आपको आ, रियली में लगता है कि आप इससे मतलब इससे पेंटिंग प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपना ड्राइंग प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करो सबसे पहले आप अपना जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले अपना यू नो स्किल को कोम्प्रूव करो आप पहले अपने स्केचिंग को इम्प्रूव करो उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि हाँ मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मैं सही में इसे मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो फिर आप इसको यूज़ करो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ये इसका कॉस्ट का अगर मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट ढाई सौ रुपये का है बट दो हज़ार उन्नीस का पैकिंग है ये तो अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा भी होगा एंड मुझे लगता है ये अगर आप इसकी क्वान्टिटी का बात करें तो इसके हिसाब से काफ़ी बीस से तीस पेंटिंग आप आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हो उसमें ये दो सौ एम एल का है नेट क्वान्टिटी अगर आप म, आप देख पा रहे हो क्लियर तो जैसे आप देखोगे कि, कि मैं जस्ट ये भी स्केचिंग मैंने किया था चारकोल से ये रियलिस्टिक आई बनाने का कोशिश किया था मैंने इसका ट्यूटोरियल भी आ, मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड किए उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में उसे जाके देखना वो एक्चुअली बनाने का ट्यूटोरियल है बट अगर आपको प्रोटेक्ट करने का किस तरह से आप स्प्रे करते हो वो भी आपको वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा एंड बस वही था एक छोटा सा स्प्रे छोटा सा वीडियो सॉरी कि आप किस तरह से फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ कर सकते हो क्या इसका ड्रॉबैक है आप ख़रीदते समय भी ध्यान देना कोई कोई दूसरा ब्रांड हो तो आप उसे अवॉइड करना बिकॉज एर्फी एक ऐसा ब्रांड है जो कि मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ मैं उस पर बिलीव करता हूँ सो ओ, मैं नहीं जानता हूँ और बहुत सारा फिक्सटिप आता होगा बट मेरे हिसाब से एल्फीना चीप एंड बेस्ट में बेस्ट है एंड आप इसे आ, सारा मीडियम्स में यूज़ कर सकते हो खाली पेंसिल नहीं आप चारकोल में ये मैंने चारकोल से बनाया था तो आप चारकोल में यूज़ कर सकते हो क्रेन कलर्स में यूज कर सकते हो ऑयल पिस्टल में यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी दो तीन बार आ, आपको स्प्रे कोट करना होगा तभी आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो सो आई होप आपको ये फिक्सेटिफ का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा पसंद आया तो एक चैनल को लाइक कर देना नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना थैंक यू वेरी मच